बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ हर्ष कुमार, ये प्रॉब्लम ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस ए यूजिंग ग्रीन थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज़ करना है, इसके लिए हम इसकी कॉरोलरी का यूज़ करेंगे। कॉरोलरी है बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, यानी इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो जो ग्रीन थ्योरम की कॉरोलरी है, यानी इसी से एक थ्योरम निकली है। बाई यूजिंग ग्रीन थ्योरम द एरिया बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज कर्व सी इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू 1/2 लाइन इंटीग्रेशन सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम अपने जो सर्कल बताया गया है टू डायमेंशनल, तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्कल जिसकी रेडियस ए होती है वो हमारे लिए आसान रहेगा उसके सेंटर को ओरिजिन पर मान लें। तो इस केस में ये इसकी रेडियस ए हो जाएगी। एक्स एक्सिस इसको मान लिया, वाई एक्सिस ये है और ये डिस्टेंस भी ए होगी। और इसके किसी भी पॉइंट को अगर हम इसको पैरामेट्रिक फार्म में लिखें, यानी इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल थीटा होगा और ये डिस्टेंस ए होगी। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पॉइंट को एम कह दें तो ये डिस्टेंस निकालेंगे इस ट्रायंगल का यूज़ करते हुए। तो ये वैल्यू ए कॉस थीटा होगी और दूसरी वैल्यू ए साइन थीटा होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उससे भी हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल की शुरुआत जब करेंगे तो यहाँ से करना होगी हमें एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विद रेडियस ए इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्चुअल में ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्किल का और ये पॉइंट भी शो करता है, यानी इस तरीके के जितने भी पॉइंट हैं सब सर्किल पर लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन और इसकी रेडियस a होगी। अब हम इसका यूज़ करते हुए निकाल सकेंगे एरिया ऑफ सर्किल, द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस ए बाई ग्रीन थ्योरम। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख देंगे 1/2 लाइन इंटीग्रेशन लॉन्ग सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। और फिर इसमें वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे 1/2, क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रेशन है और दो वेरिएबल हैं। तो इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल की यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ताकि दोनों वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में बांधा जा सके और हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो जब एक ही वेरिएबल मानेंगे तो हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होती है, और चूँकि ये पूरा सर्किल यहाँ तक आना है तो एंगल यहाँ पर ज़ीरो होगा, यहाँ पर 90 होगा, और जब घूम के यहाँ पर आ जाएंगे इसी पॉइंट पर वापस तो ये 2π होगा। यानी जो वेरिएबल हमारा बनना है थीटा, उसकी लिमिट होगी 0 से लेके 2π, क्योंकि सी का मतलब ये पूरा सर्किल है। और ये हम जैसे ग्रीन थ्योरम में देख रहे हैं कि हमारा सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, तो सर्किल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज भी है और सर्किल से सिंपल कोई नहीं होगा। और सिंपल कर्व का मतलब वो कर्व होता है जिसमें कोई मल्टीपल पॉइंट ना हो, जैसे यहाँ पर ये मल्टीपल पॉइंट हैं इस तरीके से, यानी यहाँ पर भी ये टेंजेंट ड्रॉ एक ही पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट कर्व की आती है, उन्हें मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये सिंपल एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है सर्किल की, तो ये सिंपल सबसे पता होना चाहिए, सर्किल सिंपल कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, वो हमने किया। अब एक्स की वैल्यू रखना है, और ये थीटा में इसलिए कन्वर्ट किया है पैरामेट्रिक फार्म में क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना था और सिंगल इंटीग्रेशन था और दो वेरिएबल थे तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए इनको एक में बांध दिया, यानी थीटा में। एक्स की वैल्यू भी थीटा पर डिपेंड कर रही है, वाई की वैल्यू भी थीटा, और थीटा 0 से लेकर 2π तक चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ए
कॉस थीटा, और हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा वाई का, वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है, माइनस वाई, वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है, और डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स का, और एक्स की वैल्यू है ए ए कॉस थीटा। वन बाई टू थीटा की लिमिट है ज़ीरो टू टू पाई ए इंटू कॉस थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब ए तो इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं थीटा होता है, और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। माइनस ए जो होगा इसको बाहर ले देंगे, ए बाहर ले लेंगे, और साइन थीटा और इंटू इसको दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए इंटू में है कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ए इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और ये वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू लिमिट ज़ीरो टू टू पाई, और ए स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर ले लिया तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, और ए स्क्वायर इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले जा सकता है, तो इसको हमने बाहर लिख लिया ए स्क्वायर को, और ज़ीरो टू टू पाई यहाँ से डी थीटा को राइट हैंड साइड में बाहर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ब्रैकेट में, और हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू तो वन के इक्वल होती है। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन से बाहर चल रहा है स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन के अंदर ज़ीरो टू टू पाई और वन डी थीटा, और वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आ जाएगा, तो वैल्यू ये आ गई जो एरिया चल रहा है सर्किल का हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा का वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो गया लिमिट ज़ीरो टू टू पाई। तो ए स्क्वायर बाई टू अपर लिमिट यहाँ पर टू पाई है और लोअर लिमिट ज़ीरो है, देखेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई ए स्क्वायर आ गया। हम लोग जानते हैं उस सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस ए होती है, एरिया पाई ए स्क्वायर होता है। इससे हमने चेक भी कर लिया अपने आंसर को, तो ये ग्रीन थ्योरम का यूज़ करते हुए एरिया ऑफ सर्किल निकालना का प्रोसीजर था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।